अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ धाने की चटनी, वो भी पानी पूरी के लिए। तो पानी पूरी की धाने की चटनी एकदम आसान बनाने के, कोई कटर कटर ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी चटनी है। तो मैंने सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, बस मैं सिर्फ दो ही हरी मिर्ची डालूँगी और दो नींबू डालूँगी और धाने। तो इसकी एक ट्रिक है, हरी धनिया की चटनी बनाने की ट्रिक है। देखो मैंने इसको क्या करा है, पूरे ऐसे काट लिया है, देखा इसको काटे और हजू भी मैं इसको काटती हूँ, मैं बताती चलूँ। तो देखो ये मैंने हरा धनिया था ना, उसको चोपर पर रख के अच्छा झीणा झीणा काट डाला। हरे धनिए को मैंने चोपर पर रख के ना अच्छा झीणा काट डाला। इसकी टिप सिर्फ यही है कि हरे धनिए को अक्खा न अक्खा जैसे मिक्सी में डालते हो तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हरे धनिया की चटनी अच्छी नहीं बनती है। और हरे धनिया की चटनी को कभी भी बारीक नहीं पीसनी है, उसको हमेशा दरदरी रखनी है। तो इससे भी आपकी हरी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने देखो हरी मिर्ची को भी काट लिया है, तो हरी मिर्ची को काट लिया है और तो अदरक लहसुन को मैंने धोने के लिए रख दिया है। ये देखो मैंने क्या करा है, हरे धनिए को अच्छे से काट लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैं काटते बता नहीं सकती, आपको पता है मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। तो इसके लिए मैंने इसको झीणा झीणा अच्छे से काट लिया है। मिर्ची को भी मैंने काट लिया है और अदरक लहसुन को मैंने थोड़ी देर धोने के लिए रखा है। अब मैं इसको पीस डालूंगी। कितनी खवातीन क्या करती है कि ग्राइंडर में ऐसे बड़े बड़े अक्खे डट्टे डट्टे डाल देती है, उससे कूचे जैसी चटनी बनती है और मेहंदी जैसी, उसमें स्वाद नहीं आता। और अगर चटनी अब शेर में तो लोग पीसते ही है, सिल पे तो अब कोई पीसता नहीं है, सब मशीन में पीसते। और मशीन में पीसने के लिए अगर तुम इस तरह से काट के फिर मशीन में पीसेंगे तो तुम्हारी चटनी एकदम टेस्टी बनेगी। और मशीन को एक सामटी नहीं चलाना है, दो दो मिनट में रुक रुक के चलाना है, दो उससे तुम्हारी चटनी एकदम टेस्टी और एकदम अच्छी बनती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स मेरी अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरी चैनल को। ये देखो मैंने बाउल में कटेला अदरक लहसुन भी थोड़ा डाला है। मैंने पहली बार है ज़्यादा अदरक डाली है, मैं ज़्यादा करके नहीं डालती, लेकिन आज थोड़ी डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी रहती है खाने से। तो मैंने जीरा डाला है, काली मिर्ची डाली है, नमक डाला है और काला नमक डाला है। और सबसे बड़ी टिप्स है इसमें कि नींबू में अभी जिसमें डाल दूंगी, नींबू भी निचोड़ दूंगी इसके अंदर अच्छे से, अक्खा पूरा नींबू। मेरे पास ज़्यादा दाने हैं तो मैं इसके अंदर पूरा नींबू अभी निचोड़ दूंगी। एक नींबू है मेरे पास, एक नहीं डेढ़ नींबू है, तो मैं वो अभी पूरा नींबू भी डाल दूंगी। इसके अंदर पूरा नींबू निचोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सिंग तेल। चटनी में पानी डाल के कभी भी चटनी को नहीं पीसना इसकी। मैं ये इसमें मेरे पास सिंग तेल है, जो मैं थोड़ा सा सिंग तेल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसमें सिंग तेल अच्छी तरह से डाल दिया है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। चलो ये देखो ये मेरी चटनी कितने इसका कलर देखो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा कलर आया है ना चटनी का। ये कलर कैसे आया, जो मैंने पीसने में नमक और क्या डाला, नमक डाला था ना और नींबू डाला, नींबू डाल के देखो मेरी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इसके अंदर रख दी है माशाल्लाह, देखो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, देखो। तो ये मेरी चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। तो इस तरह से आप भी चटनी बनाएंगे तो ग्रीन, मेरी टिप्स के साथ बनाएंगे तो ग्रीन चटनी बनेगी इंशाल्लाह ज़रूर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ज़रूर बोलो। तो अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद। और हाँ, ये चटनी को ये इसमें बोतल में क्यों भरी है, ताकि मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ। ये खाने के लिए है और ये फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इतनी सारी मैं एक दिन में तो खा नहीं सकते, तो इसको मैं रखती हूँ चलो फ्रिज में।